सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जो निर्देश दिए हैं वो उनकी प्राथमिकता रहेंगे और यूपी में पुलिस की छवि में बदलाव लाना भी उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने उनसे बातचीत की। उत्तर प्रदेश पुलिस के नए सुल्तान बनाए गए हैं सुलखान सिंह, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक ऐसे शख्स जो अपनी ईमानदारी और स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। सुलखान जी, आपके पास इंटरव्यू करने आने से पहले हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, आप 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, सादी जिंदगी आप अब तक व्यतीत कर रहे थे, अब आपको पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। आमतौर पर यूपी पुलिस को टारगेट पे लिया जाता है कि करप्शन ज़्यादा है, ये इन सब चीज़ों को छवि को कैसे सुधारेंगे आप पुलिस की? देखिए, ऐसा नहीं है कि करप्शन ज़्यादा है या कोई और ऐसी एडवर्स बात है, बहुत सारा मामला ये परसेप्शन का है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारा व्यवहार थोड़ा और ठीक हो नागरिकों के साथ में तो परसेप्शन सुधरेगा। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की समस्या है उसके बारे में पुलिस जीरो टॉलरेंस रखेगी। सुल्तान जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको कोई खास दिशा निर्देश दिए हैं जब आपको महानिदेशक बनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस का? मुख्यमंत्री जी ने बहुत व्यापक निर्देश दिए हैं और वो हमारी प्राथमिकताओं में हैं। महिलाओं की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखना, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करना, संगठित अपराधों पर कार्रवाई करना, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त करना, एक बहुत ही व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। आज मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में निर्देश दिए हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एक फ़ोटो आपकी खूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आप ध्यान करते हुए उसमें बैठे हुए हैं, तो क्या ध्यान और योग ये सब चीज़ें पुलिस में भी आप बड़े स्तर पर लागू करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रेस कम करने की बात कर रहे हैं? पुलिस में ये पहले से ही लागू है, ट्रेनिंग का पार्ट है हमारा ये, हम योगा और प्राणायाम का प्रशिक्षण देते हैं, इसके साथ साथ मेडिटेशन पर ही हम बहुत व्यापक प्रोग्राम कराते हैं अपने ट्रेनिंग कॉलेजों में। अब हमारा प्रयास ये है कि जनपदों में हम इसको शुरू कराएं ताकि जो सर्विस इन सर्विस लोग हैं वो भी इसको कर सकें और उनको बल्कि ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की। तो हमारा हमें उम्मीद है, इसमें भारत सरकार कुछ अनुदान भी दे रही है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम हर एक ज़िले में योग प्रशिक्षण संस्थान एक चला पाएंगे। सुल्तान जी, एंटी रोमियो स्क्वाड, इलीगल स्लॉटर हाउसेस, इन सब चीज़ों को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? एंटी रोमियो स्क्वाड में उनको ठीक से ब्रीफिंग की जाएगी ताकि कोई उसमें गलतियां ना हों जो शिकायतें पिछले कुछ दिनों में आई हैं। और स्लॉटर हाउस हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, उसमें पुलिस की कोई सीधी भूमिका नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन उसको देखता है, हम उसे उस मामले में सुरक्षा प्रदान करते हैं कोई जरूरत पड़ती है। सुल्तान जी, पूर्व डीजीपी जावेद अहमद ने एक ट्वीट किया था कि लगभग 600 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनका नेक्सस है क्रिमिनल अपराधियों के साथ में और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसके बाद से इस बात की चर्चा उठी कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, या सिर्फ जो आपने इनको हटा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया उससे काम हो जाएगा या आगे भी कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, किसी भी मामले में अगर साक्ष्य है तो क्रिमिनल कार्रवाई होती है, अगर साक्ष्य नहीं है, संदेह उत्पन्न होता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है और ये एक सतत प्रक्रिया है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई नए पद के लिए। तो ये थे सुल्तान सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और जी न्यूज से बातचीत में कहा कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था कायम रखना उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस, ट्रेनिंग का नया तरीका, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करना, और जब ऐसा किया जाएगा तो खुद ब खुद ये जो समस्याएं हैं ये सुलझ जाएंगी, ये सोच रखते हैं सुल्तान सिंह।